मैंने ये सोचा पहले पेट पूरा बाकी काम दूर मस्त है। शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। और यहीं से ब्लॉग को हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कीजिए संभी झा। हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज हम जा रहे हैं माल रोड। हेलो, अच्छा रूबी हेलो कर रही है आप लोग। ये लोग कैसी लग रही है देखिए, कमेंट करके बताना। हम लोग अब जा रहे हैं मॉल रोड कुछ खाने के लिए। खाने पीने के लिए जो जो करेंगे आप सबसे शेयर करेंगे। मैंने ड्रेस पहना है फ्रेंड्स, तो जाइए पूरा ड्रेस दिखाते हैं। आइए दिनेश जी, मैचिंग मैचिंग। आज हमने सबने ब्लैक पहना है, ऑलमोस्ट ऑल आर ब्लैक कलर, ब्लैक ड्रेस। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स घूमते हैं, आप सबको भी साथ साथ घुमाते हैं, कुछ खाते हैं, जो जो करेंगे आप सबसे शेयर करते जाएंगे। घुमाने बाद की बात है, पहले खाते हैं। कुछ खाएंगे, भूख लग गई है। जैसा कि आप सबने पिछला ब्लॉग देखा होगा फ्रेंड्स, हम लोग नैनीताल आए हुए हैं और यहीं पे हमने ब्लॉग को एंड किया था। आज के दिन ही हम लोग पहुंचे थे नैनीताल और तैयार होके हम लोग मॉल रोड जाने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मॉल रोड चलते हैं। और ये जो गली है जस्ट हमारे होटल के सामने वाली गली है और यहीं पर हमारा होटल है और यहां से जस्ट 10 से 12 मिनट की पैदल दूरी पे मॉल रोड है। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं। वैसे तो आप सबसे पहले भी शेयर किया था मैंने, जो नैनीताल जब भी आते हैं तो लेक के जस्ट सामने मॉल रोड पे ही हम लोग होटल लेते हैं। इस बार अचानक से प्लान बना था तो कहीं खाली नहीं था, लेकिन होटल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और होटल से जस्ट उतरते ही ये छोटा सा, मुझे क्या कह सकते हैं, ढाबा कह सकते हैं या जो भी बोलो, छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मोमोज दिख गया तो सोचा बहुत तेज भूख लगी हम लोगों को, तो सोचा पहले तो सोचा पहले मोमोज खा लेते हैं फिर निकलेंगे। पहले पेट पूरा बाकी काम दूर नहीं, मतलब सुबह जो नाश्ता किया था हमने उसका इतना यहाँ जाम जाम में फंस गया ना, तो कुछ खा नहीं पाए। और जब निकले हैं तो छोटा सा है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। लेकिन हाँ, इस रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्टोरेंट नहीं छोटू सा है, आई लव यम्मी टम्मी। अब देखते हैं, हाँ मोमोज खाएंगे यहाँ पर पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मोमोज खाएंगे, चिकन मोमोज खाओगी तुम? आप क्या खाएंगे? मोमोज हम लोग खा चुके हैं, अभी और खाएंगे, अभी और खाएंगे। अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक था। वैसे भी हम मुझे रस है, अभी वीकेंड है फ्रेंड्स, तो काफी रस है। देखो वीकेंड है, वीकेंड होने वाला है, वीकेंड होने वाला है, लेकिन तकरीबन वीकेंड तो है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तो होता ही है ना, लेकिन रश है, बहुत रश है, तो काफी रस है फ्रेंड्स। मोमोज खाए हैं, इतना अच्छा नहीं जचा नहीं। अभी आगे मॉल रोड की तरफ चलते हैं, ये हमारे होटल के पास ही था। आगे होटल से तकरीबन आधा, हाँ पैदल 6 मिनट दूर है मॉल रोड, वहाँ पर जाके घूम घूम के खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दिनेश जी और सरस्वती एज यूजुअल हमेशा की तरह आगे और मैं और सब भी पीछे। और ये एक बार घुमा के दिखाती हूँ, ये देखिए गाड़ी का लाइन, इसलिए मैं गाड़ी से नहीं आई, हम लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जाम, बहुत रस है आज यहाँ पर, बहुत रस है, गाड़ी ही गाड़ी, गाड़ी ही गाड़ी, गाड़ी ही गाड़ी। बस हम लोग माल रोड पहुँचने वाले हैं। मेरा हाथ पकड़ते के ये देखिए, हमेशा गिरती पड़ती रहती है, मैं गिरती पड़ती है। अचानक से प्लान बनाया, अच्छा किया, बहुत मजा आ रहा है। और आप सबसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, जो हम लोग बहुत फूडी हैं और कोई भी जगह जाके स्ट्रीट फूड जो होता है ना वहाँ का, वो खाना घूम घूम के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चीजें तो सारे वही सेम होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी बताना ये बात सच है कि नहीं है। आप दिल्ली में जाओ या कोई भी हिल स्टेशन जाओ, वही मैगी मोमोज भुट्टे, खास करके हिल स्टेशन जितने भी जाओ तो वो भाप निकलता हुआ मैगी मोमोज भुट्टे देख के बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं हम लोग, और वही चीज बार बार खाना अच्छा लगता है। हाँ एक चीज और, झाल मुढ़ी, कहीं भी जाओ हम लोगों को झाल मुढ़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। आप सबको इन सब में से क्या क्या पसंद है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। हिल स्टेशन आए और मैगी नहीं खाए, हाँ मुझे तो हिल स्टेशन आके मैगी खाना ज्यादा अच्छा लगता है। स्टॉल नहीं, यहाँ पर एक स्टॉल होता था जो हम लोग खाते थे, नहीं दिख रहा है, पर आवाज को इग्नोर करना फ्रेंड्स, बहुत रस है, बहुत तगड़ा वाला। और यहाँ पर हम लोग मैगी खाने के लिए रुके थे, लेकिन काफी रस था, आधा घंटा कम से कम वेटिंग पीरियड था, तो मैंने सोचा चलो आगे मोमो के स्टॉल पर पहले मोमोज खा लेते हैं फिर मैगी खाएंगे। मस्त मोमो है, मैं और दिनेश जी ने बना लिया है सब्जी पकड़ी चिकन, ये भैया ने कमाल का मोमो बनाया, मस्त।
और फिर आ गई ये देखिए झालमुड़ी की बारी, और फ्रूट्स भी हमने लिए थे। और छोटे छोटे यही सब स्ट्रीट फूड खाने के बाद खाना तो हम लोग होटल में ही खाने वाले थे। हम लोग काफ़ी देर तक घूमते रहे। और फ्रेंड्स ये देखिए शाम के टाइम का व्यू, झील और झील के साइड में पहाड़ और हल्का हल्का लाइट जल रहा है। और ये सारे मार्केट्स हैं मॉल रोड के, सॉरी मार्केट्स नहीं शॉप्स हैं मॉल रोड के। एक दो चीज़ें हमने लिए थे जो घर पहुंच के आप सबसे शेयर करूंगी। शांभवी सरस्वती ने दो पर्स लिए थे और एक दो चीज़ मैंने भी लिए थे। दिनेश जी ने भी अपने पूजा का सामान एक दो लिया था। घर जाके आप सबसे शेयर करूंगी। वैसे भी जब कभी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान परचेज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है हम लोगों का दो बेडरूम का फ्लैट है तो इतने स्पेस नहीं होते हैं, तो इतना इकट्ठा करके क्या फ़ायदा। और आज हम लोग आते आते काफ़ी लेट हो गए थे तो ज़्यादा चीज़ नहीं घूम पाए थे, तो बस यही छोटे मोटे दो तीन चीज़ खाए थे और एक दो चीज़ें हमने लिए थे। और फिर यही जस्ट बगल में मंदिर है नैना देवी का, वहाँ हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। वैसे कल हम लोग अगेन जाएंगे दर्शन करने के लिए सुबह के टाइम में, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार अभी भी चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ नैना देवी के मंदिर आ गए हैं और ये मंदिर आना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कई बार हम लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके जस्ट बगल में गुरुद्वारा भी है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, खास करके रात को। और जो मेरे फ्रेंड्स नैनीताल नहीं आए हो, पहली बार आए हो, तो ये मंदिर तो आओगे ही, ये तो दर्शनीय स्थल है ही, लेकिन मंदिर के बाहर काफ़ी लंबा तिब्बतियन मार्केट है जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ काफ़ी चीज़ें सस्ती सस्ती मिल जाती है, आपको कपड़ा लेना हो, पर्स लेना हो, जूता चप्पल लेना हो या ज्वेलरी लेना हो। और कॉटन कैंडी मेरे किन किन फ्रेंड्स को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं बचपन में बहुत खाती थी लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है फ्रेंड्स, और इससे मैं बहुत जल्द दो ड्रिंक आप सबसे शेयर करूंगी। आज तो हम लोग चल चल के काफ़ी थक चुके थे फ्रेंड्स, क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने नहीं बुलाया था, पैदल ही चल के गए थे और पैदल ही चल के आए थे। और यहाँ पर डिनर टाइम है तो सब खाना खाने लगे हैं, हम लोग का पेट तो फुल है, लेकिन यहाँ का खाना हमने सुन रखा है बहुत ही टेस्टी होता है, तो थोड़ा सा तो हम लोग ज़रूर खाएंगे। और फ्रेंड्स हमारा जो ये होटल है हमने तो अनजाने में ही बुक कर लिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफ़ी विंटेज वाला लुक है यहाँ पर। और बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी हुई है जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। और खाना भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था, मज़े का था, आइटम कम थे लेकिन जो भी थे काफ़ी टेस्टी थे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए दो टाइप के नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज था, एक कुमायूनी चिकन था और एक मटन की रेसिपी थी, ये देखिए। और यहाँ पर बहुत ही मस्त वाला गाना चल रहा है फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट सॉन्ग है वही चल रहा है, तो खाने का मज़ा और दुगुना हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ पर रोटी और नान दोनों था, रोटी और नान था, पास्ता था। सरस्वती सामग्री को पास्ता बहुत पसंद है तो वो बहुत खुश हुई थी। और दो तरह के सब्जी थे, एक तो पनीर जलफेजी था और एक मिक्स वेज था। और दाल चावल प्लेन राइस और दाल था जो बहुत मज़े के लग रहे थे खाने में, रायता हो गया, पापड़, सैलेड, अचार, सूप। और डेजर्ट में थे खीर और गुलाब जामुन, जिसका क्लिप लेना मैं भूल गई थी। तो फ्रेंड्स ये है आज की हमारी डिनर की थाली मेरी। मैंने नॉन वेज नहीं लिए थे, रोटी राइस और पनीर की सब्जी लिया था, मिक्स वेज लिया था, दाल था, रायता था, पापड़ था, सैलेड था। शांभवी सरस्वती ने चिकन और मटन लिए थे, सब्जी बिल्कुल नहीं लिया था, सब्जी दाल। और मैंने खीर भी लिए थे फ्रेंड्स, शांभवी सरस्वती ने खीर विथ गुलाब जामुन खाए थे। और जैसा कि पहले ही आप सबसे मैंने शेयर किया था, जो इस होटल में बहुत सारे फिल्म की शूटिंग हुई हुई है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आए हुए हैं। ये देखिए शाहिद कपूर, जूही चावला और ये देखिए अनुपम खेर, ऋतिक रोशन अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, आ चुके हैं, और इला अरुण।
तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस यहाँ आ चुके हैं और बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई पड़ी है। कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, किसना फिल्म की, भारत भाग विधाता की और बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई हुई है, मुझे याद नहीं है फ्रेंड्स। और इस होटल में बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होस्ट किए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा होटल है ये, अगर कोई आना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और उसी तरह से इसको रखा गया है, लकड़ी की बिल्डिंग है और पहले ये चर्च हुआ करता था, फिर जो वोमेन वर्कर्स था अंग्रेजों के टाइम में, वोमेन वर्कर्स के लिए ये हॉस्टल था और उसी को फिर होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके लुक में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, 1920 से ही शायद ये होटल है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड्स, आप सभी एक बार ट्राई कर सकते हो। और ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर थोड़ा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।